सो इस वाले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको आप अपनी वीडियो को कैसे गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हो, यानी कि यूट्यूब वीडियो को आप लोग प्रमोट कर सकते हो और उस पर व्यूज़ भी आएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी आप लोगों के साथ में, आपके जो कैंपेन है वो अभी तक रन नहीं हुआ होगा, कोई भी इंप्रेशन कोई भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो इस वाले वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेना। मैंने जैसे कैंपेन बनाया उस प्रकार से आपको अपना कैंपेन बनाना है, अपनी वीडियो को मेरे जैसे प्रमोट करके दिखाया उसी प्रकार से पूरा फॉर्म फिलअप करना है, आपका वीडियो ज़रूर प्रमोट हो जाएगा। ये गूगल एड सपोर्ट टीम से मैंने बात करके पूरा बनाया है, उसी प्रकार से मैंने सारा कुछ फॉर्म में फिलअप किया है, यानी कि जो गूगल एड्स का जो फॉर्म होता है जिसके अंदर हम अपनी वीडियो को प्रमोट करते हैं और साइट डिटेल भरते हैं, वो सब कुछ मैंने गूगल एड सपोर्ट वाली टीम से बात करके भर के बताया है। सो इस वाली वीडियो को लास्ट तक कम्प्लीटली वॉच कर लेना है, आपका एड है वो रन हो जाएगा। सो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं ये सब कुछ आपको करके दिखाने वाला हूँ। सो हम आ चुके हैं अपने गूगल एड्स के अकाउंट पर और यहाँ पर हम अपनी वीडियो को प्रमोट करेंगे। यहाँ पर न्यू कैंपेन पर क्लिक करना है, न्यू कैंपेन पर क्लिक करने के जिस प्रकार से मैं कैंपेन क्रिएट करूंगा उसी प्रकार से आपको पूरा कैंपेन क्रिएट करना है और आपका कैंपेन 100% रन करेगा। सो यहाँ पर हमें इस पे आना है, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल, इस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करना है वीडियो पर, वीडियो पर क्लिक करने के बाद कस्टम वीडियो कैंपेन पर क्लिक रहने देना है, नीचे स्क्रॉल करके आना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे उसके बाद में तुम्हारा पेज है ना वो लोड होगा, थोड़ा सा लोड होने देना है उसको जब तक कि वो पूरा लोड होके ना आ जाए। ठीक है, सो हमारे सामने ये वाला पेज खुल के आएगा। सो यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है यहाँ पर कि आपको जो कैंपेन का नाम है वो क्या रखना है। सो मैं इसको कैंपेन का नाम है ना यही रखने वाला हूँ, थोड़ा सा इसमें से काट दिया हूँ यानी कि थोड़े से कीवर्ड को उठा दिया है बस। उसके अलावा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पर पूछ रहा है कि टोटल कैंपेन आप कितना रखना चाहते हो। सो टोटल कैंपेन आपको 2000 से ज़्यादा रखना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ अपना 5000 रुपये, 2000 से कम मत रखना दोस्तों, 2000 से कम रखोगे तो ये कैंपेन आपका चलेगा ही नहीं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर स्टार्टिंग डेट अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी और एंड डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, लगभग 10 दिन का गैप तो चाहिए। ठीक है, 10 दिन कम से कम ले लेना बीच में गैप। उसके अलावा यहाँ पर नीचे आपके सामने आपका जो बजट है वो शो हो जाएगा। ठीक है, 294.12 रुपये प्रतिदिन का एवरेज मेरा पैसा कटेगा। ठीक है, 5000 में से 17 दिन का ये पूरा ड्यूरेशन है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग अपनी जो है ना लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, पूरे इंडिया में दिखाना चाहते हो तो पूरे इंडिया को दिखा सकते हो और अलग से दिखाना चाहते हो यानी कि कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पे, सो यहाँ पे सर्च करके उनको सेलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं तो पूरा इंडिया ही करूँगा। उसके बाद में नीचे आना है आपको और यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो लैंग्वेज आपको हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट करनी है दोनों की दोनों। ठीक है, उसके अलावा स्टैंडर्ड इन्वेंट्री इस पर सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ पर फर्स्ट वाली पे इसको कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे कम बिड में, यानी कि कम पैसे में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, सो इस पर ही रखना है उसको और यहाँ पर इस वाले सेक्शन में आना है आपको, एक्सक्लूड टाइप एंड लेवल, सो यहाँ पर इन दोनों को बने रहना है और इस वाले को यहाँ से टिक अनटिक कर देना। ठीक है, और उस वाले उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर आपकी जो वीडियोस हैं इसी वीडियो के रिगार्डिंग रिलेटेड हैं तो यहाँ पर उनको डाल सकते हो, बट मैं नहीं डालने वाला हूँ, मैं अपना एक ही वीडियो रखूँगा। उसके अलावा एडिशनल सेटिंग में आएंगे और ये फर्स्ट वाले से आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, डिवाइस में छेड़छाड़ कर लेनी है। यहाँ पर क्या करना है, सेट स्पेसिफिक, यानी कि आपको कुछ डिवाइसेस को मतलब कि टारगेट करना है उनको ही यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सो यहाँ टैबलेट को हटा देना है और टीवी स्क्रीन को भी हटा देना है, मोबाइल फ़ोन को रख सकते हो और कंप्यूटर को रख सकते हो। वैसे अगर आप अपनी वीडियोस को प्रमोट कर रहे हो वो टैग वीडियो है तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल यूजर्स को ही दिखाएं, इससे क्या होगा कि सस्ते में आपका ऐड चलेगा और वो ज़्यादा चलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, इतना सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना है, फ्रेक्वेंसी को ऐसे बने रहना है, ऑल डे सेलेक्ट करके रखना है और यहाँ पर ग्रुप का नाम आपको कुछ भी दे देना है जो आपका मन करे वही, मैं तो इसको ही रहने देने वाला हूँ, वो चाहे आप कोई सा भी कर देना। ठीक है, डेमोग्राफी में आना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी जो ऑडियंस है वो किस एज की है, यानी कि आप देख सकते हो अपनी वाई टी स्टूडियो में जाके एनालिटिक्स में जा करके वहाँ पर आपको आपकी ऑडियंस दिख जाएगी किस एज की है। वैसे मेरे हिसाब से इनको हटा देना है, यानी कि 65 साल से उम्र वाले ओवर वाले एज को और अननोन पर्सन को यहाँ से हटा देना है, 55 से 64 ईयर वाले को भी हटा देते हैं और यहाँ पर रखते हैं 54 ईयर तक लास्ट। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ऑडियंस सेलेक्ट करनी होगी, नहीं करोगे ऐड रन नहीं होगा। ठीक है, ये गूगल एड्स के एम्प्लॉय भी बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को आपको यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, सो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग मेरा वीडियो है उसी के रिगार्डिंग आपका भी अगर वीडियो है, टेक वीडियो है, तो आप भी इन ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो जो मैंने की है वो वाली। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे ब्राउज़ करके
और यहाँ से भी सर्च में देख सकते हो, ढूंढ सकते हो, ठीक है ना, और सर्च भी कर सकते हो अगर सर्च करना चाहो तो यहाँ पर, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से इतना ऑडियंस मेरा काफ़ी है इस पर, लगभग आप लोग देख पा रहे होगे जो व्यूज़ हैं वो, यानी कि इंप्रेशन है, और वो अच्छे खासे आने वाले हैं, 20 मिलियन अप्रॉक्स इंप्रेशन मेरे जाएंगे। सो यहाँ पर एनालिटिक्स में ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में स्क्रॉल करना है नीचे और इस पर कर लेना रीच मोर पीपल, यानी कि गूगल अपने आप चेक कर लेगा, जैसे ही आपने ऑडियंस सुनी है वैसे ही ऑटोमेटिक से वो ऑटोमेटिक से उन लोगों को आपका ऐड दिखा देगा, ठीक है। जैसे ही आपने ऑडियंस सुनी है वैसे ही सिमिलर ऑडियंस। उसके अलावा यहाँ पर कीवर्ड, टॉपिक या प्लेसमेंट, इनसे छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है, कीवर्ड वगैरह नहीं डालनी है। अब यहाँ पर आता है कि आप बिड कितना लगाना चाहते हो, यानी कि CPV। सो बिड यहाँ पर हम लगाएंगे, हमारी टैग वीडियो है, कम से कम 50 पैसे। सो यहाँ पर 0.50, इतने से कम मत लगाना दोस्तों, क्योंकि अभी गूगल एड्स थोड़े महंगे हो गए हैं, इस वजह से 25 से 30 पैसे के अराउंड ये काटेगा एक क्लिक का। और अगर ऐसा लगता है आपको ज़्यादा मतलब व्यूस आ रहे हैं इतने एवरेज पैसे पर, तो आप अपनी बिड को कम कर लेना, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पर हमें अपनी वीडियो का लिंक डालना है, ठीक है। सो अपनी वीडियो का यहाँ पर लिंक डालेंगे और लिंक अपने यूट्यूब चैनल से हमें उठाना है, ठीक है। सो हम चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। सो यहाँ पर मैं अपना लिंक डालता हूँ, यहाँ पे आपको भी अपना लिंक डाल देना है, ठीक है। अपनी वीडियो का कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना लिंक डालोगे, वैसे ही इधर आपको क्या करना है, अपनी वीडियो को सेलेक्ट करना है, कैसी वीडियो से आपको ऐड लगाना है, यानी कि आपको स्किपेबल ऐड लगाना है या वीडियो डिस्कवरी ऐड। सो वीडियो डिस्कवरी ऐड आपको लगाना है, ये वाला ऐड है ना, ये वीडियो को सस्ता भी पड़ेगा, और इस प्रकार का ये ऐड आता है आपका, किसी भी वीडियो के नीचे जो ऐड आएगा वो वाला ऐड होता है वीडियो डिस्कवरी ऐड, ये वाला, ये आपको दिख रहा है ये वाला, सर्च में कुछ इस प्रकार का दिखेगा, और अगर आपका जो किसी वीडियो के नीचे अगर दिखेगा तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आपको हेडलाइन डालना बहुत ज़रूरी है, जो कि वीडियो का टाइटल होगा। सो यहाँ पर हेडलाइन डालते हैं, जैसा आपका वीडियो है उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर कीवर्ड को लिख देना है, ठीक है। हाउ टू प्रमोट वीडियो, मेरी वीडियो का टाइटल, ठीक है। यहाँ पर किसी ब्रांड का नाम नहीं लिखना है आपको, जैसे गूगल है, यूट्यूब है, या फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ऐसे कुछ ब्रांड के नेम्स यहाँ पर नहीं लिखने, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे ब्रांड के नाम नहीं लिखने हैं, ठीक है दोस्तों। सो उसके अलावा जो अलग दूसरा वाला टाइटल है, यानी कि डिस्क्रिप्शन है, उसमें कुछ भी लिख सकती हो। यहाँ पर लिखते हैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, ये आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा इस वाले में आप लोग लिख सकते हो कुछ भी, जैसे कि हाउ टू प्रमोट YT, यानी कि यूट्यूब शॉर्ट में लिख सकते हो ऐसे YT वीडियो, ठीक है। और उसके अलावा ऐड का नाम भी देना है आपको, यहाँ पर लास्ट में ऐड का नाम पूछ रहा है। सो ऐड का नाम पहले से लिखा हुआ है, उसको मैं नहीं चेंज करने वाला, आप लोग चाहो तो चेंज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग एक एनालिटिक्स, यानी कि जो एस्टिमेटेड है वो यहाँ पर दिखा रहा है, इतने व्यूज आ सकते हैं 15 से 29 हज़ार, इंप्रेशन 3.5 लाख से 6.5 लाख, और एवरेज CPV काटेगा ये 20 पैसे से 50 पैसे के बीच में, ठीक है, यानी कि सब कुछ गुड है। इसके अलावा हमें यहाँ पे करना है क्रिएट ए कैंपेन पे क्लिक। सो जस्ट यहाँ पे जैसे ही हम ये आपके जो फॉर्म भरा है आपने, उसमें ये मिस्टेक है, सो आपको चेकआउट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ क्रिएट ए कैंपेन पे क्लिक करेंगे, वैसे ही कन्फर्मेशन का एक और पॉपअप विंडो खुलेगा। सो यहाँ पे कंटिन्यू टू कैंपेन पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो कैंपेन है वो आपका बन चुका है, और वो 24 घंटे के अंदर उस पर रेस्पॉन्स आना चालू हो जाएगा। उससे पहले ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पर चेक कर लेना, जो जो तुमसे परमिशंस मांग रहा है वो अलाउ यहाँ पे कर देना, जैसे कि 2-स्टेप वेरिफिकेशन है, या टैक्स के बारे में पूछेगा, सो वहाँ पे पैन कार्ड वगैरह अपनी इन्फॉर्मेशन आपको सेट कर देनी है, ठीक है। और अमाउंट वगैरह ऐड कर देना, जितना मैंने अमाउंट बताया उतना ऐड कर लेना, 2000 से ज़्यादा अमाउंट आपको लगाना है अपनी बिड पर, तभी आपका ऐड रन करेगा। सो ये सब कुछ फॉलो कर लेना कम से कम आप, ठीक है। सो हमारा जो ऐड है वो एलिजिबल हो चुका है, जो हमारा ऐड है वो एलिजिबल हो चुका है, आप यहाँ पर देख रहे हो। और ये 24 घंटे के बाद इस पर इम्प्रेशंस एंड व्यूज़ वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो यार दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो आपके हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। उसके बगल में जो बेल का आइकन आ रहा है उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर यूट्यूब टेक एंड टिप्स के रिगार्डिंग ही वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। सो मुझको यार फॉलो कर लेना, ठीक है। मिलते हैं फर्दर वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।